हे गाइस, चंदा दी रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दे, शेयर करें। तो आज फिर मैं एक रेसिपी की ब्लॉग लेके आई हूँ, जिस क्योंकि विंटर दस्तक दे चुकी है तो खाने का मन करता है पराठा। तो आज मैं पराठे की ही रेसिपी लेके आई हूँ। मूली आलू गोभी मिक्स पराठा मैं बना रही हूँ। इसमें भी ज़्यादा मैं तामझाम नहीं करूँगी, फटाफट बनाती हूँ आपके साथ मूली गोभी का पराठा। सबसे पहले इसकी अपने पराठे की स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं कढ़ाई में एक चम्मच बड़ा मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ, और इसमें मैं ये जीरा ली हूँ 1/2 टीस्पून, एक हरी मिर्च कटी हुई और 2-3 ब्रोकन लाल मिर्च है। और मैं इसे प्याज नहीं डालूंगी फ्रेंड, क्योंकि ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। व्रत का पराठा बन रहा है क्योंकि कल मुझे संडे करनी है। तो ये आज हमारे किचन में सैटरडे स्पेशल डिनर में बना रही हूँ मैं इसे। और नेक्स्ट मैं इसमें ये देखिए गोभी को डाल दी हूँ। पहले मैं गोभी डाल दी हूँ, और ये मूली है, एक मूली है ग्रेटेड। सारे को मैं ग्रेट कर दी हूँ, देख रहे हैं आप। दो मिनट में पहले मूली और गोभी को भून लेती हूँ। नेक्स्ट मैं इसमें आलू, बॉयल आलू में है 3 हमारे पास है, उसे मैं डालूंगी। तो ये हमारा भून रहा है, तब तक मैं ये देखिए 1 कप आटा ली हूँ, और इसका मैं एक डो तैयार कर लेती हूँ। मैं इसमें काऊ घी डाली हूँ, थोड़ी सी अक्खा जीरा ही मैं इसमें डाल दी हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है अक्खा जीरा डालने से। थोड़ी सी मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, सेंधवा नमक में मैं इसे बना रही हूँ। सारे कुछ डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और एक डो लगा लेती हूँ। डो हमारा तैयार है, इसे 5 मिनट रेस्ट लेने देती हूँ, और अपने स्टफिंग की ओर आ जाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से भून चुका है। और नेक्स्ट मैं इसमें आलू डाल देती हूँ, ये 4 बॉयल आलू है। इसे मैं एकदम अपने अच्छे से इसे थोड़ देती हूँ। देखिए सारा मिक्स हो गया है। फिर 1/4 टीस्पून में हल्दी पाउडर ली हूँ, 1/4 टीस्पून में मिर्चा पाउडर, और 1/4 टीस्पून में धनिया पाउडर सारे ले ली हूँ। मसाले धनिया मिर्चा हल्दी नमक सारे कुछ मैं डाल दी हूँ, और इसे अच्छे से मसालों के साथ मैं भून देती हूँ। 1 चम्मच बेसन मिक्स कर दी हूँ, इससे ये सारे को पकड़ लेता है। आलू मूली और आपका जो पराठा है, ये भी एक टिप है फ्रेंड, आपका पराठा फटता भी नहीं है। 1 चम्मच में बेसन डाल दी हूँ, और सारे के साथ इसे भून दे रही हूँ। 1/2 चम्मच सोया डाली, इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है मूली और गोभी और आलू के साथ, जिसका कि मैं पराठा का स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, इसके साथ इसे मिक्स कर देती हूँ। बहुत टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए सारा कुछ बन चुका है। अब मैं इसे उतार के साइड करती हूँ, और पराठे को बेल लेती हूँ। देखिए एक रोटी मैं बेल दी हूँ, और इसके ऊपर स्टफिंग को डाल दी हूँ, और ऐसे फोल्ड कर देती हूँ। ये देखिए चारों तरफ से मैं इसे बंद कर दे रही हूँ, और इसे फिर बेल देती हूँ। और आज मैं इसे बना रही हूँ, ये देखिए क्ले का मैं तवा में इसे सेक रही हूँ। ये मैं हमारे पट्टा में ट्रेड फेयर लगा था, मैं वहीं से ली हूँ। मैं इसमें मकई की रोटी, और जब कभी मुझे व्रत के लिए कुछ बनाना होता है तो मैं इसी तवा को यूज करती हूँ। और मैं सब
अलग बर्तन रखती हूँ व्रत के लिए, उसी से मैं बनाती हूँ। मैं बेल दूँ ये, और इसमें मैं अपनी स्टफिंग को देखिए अच्छे से फैला दे रही हूँ। ये देखिए बढ़िया से चारों तरफ बराबर से एकदम, और ऊपर से मैं एक और रोटी इसमें डाल के चारों तरफ से इसे बराबर से सील कर देती हूँ। ये देखिए है ना बनाना आसान, कोई तामझाम तो इसमें हुआ नहीं, आप इजली इसे बना लिया। ये देखिए, और अपने हाथ से मैं इसे टैप कर दे रही हूँ चारों तरफ बराबर कर दे। घी डाल दी हूँ, और इसे मैं अच्छे से एक पेड़ा ली हूँ इसे, और इसी से मैं बहुत अच्छी बनती है। आप एक आटे का पेड़ा ही लेके चारों तरफ से इसे घुमाते जाए। ये देखिए तैयार हो रहा है। तो देखिए मैं अपने दूसरे पराठे को भी मैं भी आपको बताई कैसे बनाते हैं इसे, बहुत इजी वे में मैं बताती हूँ, कुछ भी हो इजी वे में बताती हूँ, ताकि आप लोग सभी कोई बना ले अपने अपने किचन में। तो देखिए दोनों तरफ मैं डाल दी हूँ, इसे भी मैं बीच से कट कर दी हूँ, और यहाँ से ऐसे इसे फोल्ड कर देती हूँ, और चारों तरफ से इसे बराबर से मैं फोल्ड कर दी हूँ, और इसे भी कर देती हूँ। ये देखिए, और इसके ऊपर से मैं इसे ले लेती हूँ और बेल देती हूँ अच्छे से, और इसे मैं टर्न कर देती हूँ। वाओ, ये देखिए दबा दबा के अच्छे से, और मिट्टी का बर्तन में तो खाना बनना ही हेल्दी होता है, तो मैं बहुत कुछ मिट्टी का बर्तन भी रखती हूँ। कभी कुछ बनाई, कभी बिरयानी बना ली, कभी पनीर की सब्जी बना लेती हूँ मिट्टी के बर्तन में, और सर्व भी कर लेती हूँ मिट्टी के बर्तन में, ग्लास भी रखती हूँ, कटोरी भी रखती हूँ, सारा मेरे पास मिट्टी का बर्तन मैं रखती हूँ। जब मुझे रेसिपी बनानी होती है तो मैं फटाफट अपने मिट्टी के बर्तन का यूज कर लेती हूँ किचन में। तो ये देखिए हमारा ये पराठा भी बन चुका है। डाल दी हूँ एक पेड़े को बॉल ऐसा बना के, चारों तरफ से भाई से फोल्ड कर देती हूँ। ये देखिए जैसे आप लिट्टी बनाते हो उसे मोड़ते जाए और फोल्ड करते जाए। ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा से, कितना इजी है बनाना, कुछ भी सेप आप दे दो, देखिए बन गया, और इसे मैं बेल देती हूँ। बुनिया पराठा भी बन के तैयार है, देखिए कितना मस्त बना है, कोई फटा नहीं है। आप देख सकते हैं आपके सामने मैं सारा बनाई हूँ, सारे को तैयार की हूँ, कितना यम्मी, कितना खास्ता परत वाली पराठा मैं बनाई हूँ। देखिए सारा पराठा हमारा, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बताई कैसे बनाते हैं, इसकी स्टफिंग बताई। आप इसमें एक चम्मच बेसन डाल देते हो, मैं मटर में भी डालती हूँ बेसन, डालने से ना सब बाइंड हो जाता है और आपका पराठा जो है वो फटता नहीं है। ये देखिए कितना मस्त पराठा बना है, और आज मैं इसे क्ले वाले तवे में बनाई हूँ। ये हमारे किचन में आज मैं इसे डिनर में बनाई हूँ, और मैं इसे निकाल लेती हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। हे गाइस, तो देखिए आज हमारे डिनर में मैं बनाई हूँ, मैं आपको पराठा दिखाई बना के। देखिए कितनी मस्त, कितनी यमी पराठे बनी है, चारों चार टाइप से मैं बना के आपको दिखाई। ये देखिए तीन कोनिया पराठा हमारा कितना मस्त बना है, तहे तह पराठा ये बना है, और ये पराठा भी मैं देखिए कट की हूँ, कितनी यमी लग रही है, और आज मैं इसे सर्व कर रही हूँ। ये आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी मैं बनाई हूँ, और इस पर मैं थोड़ा सा, इस पर भी मैं ये जो दिल है अपने दिल को इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि ये भी हमारे हेल्थ के लिए दिल जो है बहुत अच्छा होता है। मैं ठंडे में इसे ज़रूर लाती हूँ, और इससे सब्जी में ज़रूर बहुत सारा लॉट्स ऑफ दिल को मैं डालती हूँ। तो देखिए दिल इस पर से डाल दी हूँ। ये मैं ऐसे ही सैलड नहीं बनाई हूँ, बस मूली लंबी लंबी कट कर दी हूँ, और ये हमारा स्टफिंग है, क्योंकि इसके साथ भी मैं खाती हूँ। तो अगर आपको आज की हमारी सैटरडे स्पेशल डिनर की रेसिपी अच्छी लगी हो, और पराठा का तो मैं रेसिपी दी ही हूँ ये देखिए, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24। दुआओं में याद रखिएगा, और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सबा खैर, हैव ए नाइस डे।